न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, मैं उजिशान आपके साथ और ये है 11 स्पेशल। और आज 11 स्पेशल में हम बातें करेंगे, सतर्क रहे फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जी हां, संक्रमण एक बार फिर धीरे धीरे अपना पांव पसारने लगा है। फेस्टिव सीजन में लोगों की लापरवाही के कारण मामले बढ़ने लगे। जरूरी है कि मास्क पहने और कोविड नियमों का पालन कर कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज बेहद ही जरूरी है। कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी सतर्कता जरूरी है। राजधानी रांची में अभी कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 104 है। अभी कल ही जामताड़ा में कोविड मरीज की मौत हुई थी। सजगता से, सहभागिता से रोक सकते हैं अब तीसरी लहर को। जिला प्रशासन भी सजग हो गया है, एक्टिव मोड में आ गया है। रेलवे स्टेशन सहित एयरपोर्ट पर जांच को लेकर सख्तियां बरती जा रही है। तो देखिए, एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है और हम इसलिए आज 11 स्पेशल में ये खास सेगमेंट लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आप हमें देख रहे हैं तो फिर सतर्क हो जाए, चौकन्ना हो जाए, क्योंकि कई वजह है, एक वजह नहीं कई वजह, जिस पर हम धीरे धीरे आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हम ये बातें कर रहे हैं, कैसे झारखंड एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और क्या ये तीसरी लहर की दस्तक है, क्या ये तीसरी लहर की शुरुआत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको याद ही होगा इस साल अप्रैल मई का महीना जब त्राहिमाम स्थिति ना सिर्फ झारखंड की थी बल्कि पूरे देश का हाल बेहद ही दर्दनाक था। अस्पतालों की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर बेड तक नहीं मिल रहे थे। मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के मरीज अस्पताल दर अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे, एक अदद बेड की उनकी तलाश थी। एक अदद बेड अगर उन्हें मिल जाता तो शायद जान बच सकती थी। ऑक्सीजन की कमी पूरे देश ने देखा और किस तरह से ये कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है ये भी हमने अप्रैल मई महीने में हमने देखा है। इसलिए जरूरत है वक्त रहते सतर्कता बरतने की। जरूरत है कि अभी जो वक्त हमें मिला है अगर हम संभल जाए तो फिर हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। झारखंड की स्थिति को देखते हुए जैसे जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हुई तो यहां पर लॉकडाउन में सरकार की तरफ से छूट दी गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल भी हम लापरवाह हो जाए। फेस्टिव सीजन अभी लगातार है, दुर्गा पूजा बीता है, दिवाली है, छठ है, तो एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर हम एहतियात बरतेंगे तो हम कोरोना पर लगाम लगा सकते हैं। सितंबर में एक्टिव केस महज 130, पूरे राज्य की अगर हम बात करेंगे कल ही 18 मरीज निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। और इन तमाम चीजों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष देवघर से जुड़ रहे हैं, रांची से सत्यवत किरण जुड़ रहे हैं और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी शहनवाज अख्तर जुड़ रहे हैं। सभी से चर्चा करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम चलेंगे अपने सहयोगी शहनवाज के पास और उनसे बातें करेंगे। शहनवाज जी, देखिए फेस्टिव सीजन है, इधर अभी दुर्गा पूजा बीता है, दिवाली है, छठ है, लेकिन उससे पहले जो स्थिति अब धीरे धीरे डगमगा रही है, एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है, ये संकेत अच्छे नहीं है शहनवाज जी? जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत चिंता की बात है और ये चिंताएं हम लगातार व्यक्त करते रहते हैं और लोग इससे बुरा मानते हैं, उनको लगता है कि हम उनको फिर से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक लोगों की लापरवाही का ताल्लुक है, लगातार फेस्टिवल्स आए हैं, इतनी भीड़ दुर्गा पूजा में उमड़ी थी पंडालों में कि जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि अचानक इस तरह से लोग उमड़ेंगे। और शायद ही 5% 10% लोग ऐसे मिलते थे हम लोगों को जो मास्क पहने हुए होते थे। तो इस तरह की लापरवाही, प्रशासन की लाख दबिश, लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी लोग अगर नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा? अब जब आज रिम्स में 14 बरस की एक बच्ची एडमिट हुई है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो एज ग्रुप है और उसके जो सिम्टम्स है, हमारे सब सहयोगी सत्यव्रत करण मौजूद है, सुन रहे हैं, वो बताएंगे आपको डिटेल जी। ये बहुत ही अलार्मिंग है। हालांकि पेशेंट सिर्फ एक एडमिट हुआ है और तमाम अस्पताल का बेड खाली है, लेकिन सोचने की बात यह है
कि आखिर कोरोना है, हमारे ही आसपास कोरोना का संक्रमण मौजूद है, कोविड वायरस मौजूद है जी। और उस पर से जो अभी ट्रेन्स में आ रहे पैसेंजर्स की टेस्ट करने वाली जो एंटीजन टेस्ट है उस पर सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। तो आखिर ये सवाल है कि आखिर ये टेस्ट के किट है वो कहाँ से खरीदे गए, इतनी लो और इन्फेरियर क्वालिटी के हैं, ये अरबों खरबों रुपए करोड़ों रुपए की जो किट खरीदे गए होंगे, आखिर किन लोगों ने इसको सप्लाई किया और कैसी किट है ये कि जो नेगेटिव कर देती है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है। और इससे पूरा का पूरा ताना बाना बिखर गया था कि उसके बाद फिर पता चला कि आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव, वो पेशेंट्स नेगेटिव हो गए, तो थोड़ी सी राहत की सांस लगी है लोगों को। लेकिन फिर भी अभी 103 मैं देख रहा था स्क्रीन पर, 103 एक्टिव केस हैं झारखंड में और वो छुपे हुए हैं, वो घरों के अंदर इलाज करा रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले सदर अस्पताल में डॉक्टरों की बातें सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि दो तीन व्यवसायी वर्ग के बड़े लोग हैं, बड़े नाम है, रसूखदार लोग हैं, उनके घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया प्रशासन को कि हम अपने पेशेंट को अस्पताल नहीं भेजेंगे, घर में ही इलाज कराएंगे। घर में इलाज कराने का प्रयास मतलब कई लोगों को संक्रमण बांटना, और लाख शक्ति के बावजूद रेलवे स्टेशनों पर लोगों का गच्चा दे करके निकल जाना, गलत नंबर लिखा देना, गलत पता लिखा देना, ये सब क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि डबल सिंगल डोज लेने वाले की जो संख्या है बिल्कुल वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है जी। डबल डोज लोग नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लापरवाह हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में अगर कोरोना फिर से पैर पसारता है तो इसमें कौन सा ताज्जुब की बात है। बिल्कुल। ऐसे ही आपको याद होगा, आप और हम दोनों एक ही संस्थान में काम करते हैं जी। हम लोगों को अच्छी तरह याद है फरवरी का महीना बहुत अच्छा गुजरा था जी। जनवरी में हम लोग भी बहुत खुश थे कि चलिए अब कोरोना संक्रमण नाम की चीज लगता है कि अब सपनों की बात हो गई। लेकिन फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में मुझे अच्छी तरह याद है कि कोरोना संक्रमण का वो भयावह चेहरा, अस्पतालों में बेड का नहीं मिलना, लगातार लोगों के फोन आना, हम लोग जैसे पत्रकारों को कि एक बेड दिलवा दीजिए, सदर अस्पताल में ही सही, रिसालदार नगर हेल्थ हॉस्पिटल में ही सही, एक बेड दिलवा दीजिए। बिल्कुल। लेकिन इतनी सारी परेशानियां हुई, कई लोग हमारी सोसाइटी, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहां पर 25 से 30 मकान है जिसमें 12 घरों में मौतें हुई हैं। एक घर ऐसा है जिसमें बाप और बेटे दोनों की मौत हुई है, एक घर ऐसा है जिसमें बेटी और बाप दोनों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। तो ये कोई झूठ या कोई सपना या कोई डराने वाली कोई चीज हम बयान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल शनिवार यथार्थ है। और अब एक बार फिर बिल्कुल हम बिल्कुल भी दर्शकों को डराना नहीं चाहते, हम वही सच्चाई बयां कर रहे हैं जिसकी आशंका बनी हुई है, खतरा जो मंडरा रहा है। आपके पास आएंगे और एक आपने अहम बात कही कि एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट में इतना फर्क कैसे आ जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल हम चलेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत के साथ। सत्यव्रत, जो स्थिति आपने देखी, आप लगातार न्यूज 11 भारत तक तमाम कवरेज दे रहे थे, खबरें हम तक पहुंचा रहे थे, इतने क्रूशियल टाइम में भी, चाहे आप बात मार्च अप्रैल मई की करें, जिस वक्त अस्पतालों में भयावह स्थिति देखी जा रही थी, लगातार आप कवरेज कर रहे थे, अभी की वर्तमान स्थिति आप देख ही रहे, दिन प्रतिदिन एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों में इजाफा देखने को मिल रहा है, रिम्स का क्या हाल है, व्यवस्थाएं कितनी चुस्त दुरुस्त है, और अभी जो एडमिट है रिम्स में उनका क्या हाल है, कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज रिम्स में भर्ती है, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए जिसान, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम का मकसद लोगों को डराना नहीं है बल्कि लोगों को सतर्क करना है। देखिए पिछले अगर दो कोरोना के लहर की अगर बात करें तो दो कोरोना लहर हमने भी झेला, आपने भी झेला और पूरे देश ने झेला है। उस दौरान अगर बात करें तो यही वो महीना है जिसान जब कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे फैलने लगता है। अपने राज्य की अगर बात करें तो अभी से करीब 3 महीने तक जो स्थितियां हैं वो काफी बेहतर थी, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जैसे ही त्योहार का मौसम शुरू हुआ लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो राज्य में बढ़ती गई है। अगर बात करें राज्य के सबसे बड़े कोविड अस्पताल की यानी कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर की, तो फिलहाल 3 महीने तक
कोई भी कोरोना का संक्रमित मरीज रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती नहीं था, लेकिन बीते दो दिनों की अगर बात करें तो फिलहाल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में कोरोना के दो संक्रमित मरीज भर्ती है, गंभीर रूप से बीमार है और उनकी उम्र करीब 70 साल के आसपास बताई जा रही है। दोनों जो व्यक्ति है, एक डोरंडा के रहने वाले है और दूसरा जो है वो रांची के ही नामकुम के रहने वाले हैं। देखिए दोनों का ट्रैवल हिस्ट्री बताया जा रहा है, बंगाल से लौटे थे, कोलकाता गए थे, उसमें से एक व्यक्ति अपने हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए और उसके दौरान जब वो रांची पहुंचे तो वो कोरोना के संक्रमित पाए गए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी कुछ घंटे पहले की अगर बात करें तो धनबाद के बैंक मोड़ की रहने वाली एक 14 साल की बच्ची को रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। फिलहाल बच्ची कोरोना की संदिग्ध है, उसका RT-PCR जांच किया गया था जिसान जो निगेटिव पाया गया है, लेकिन डॉक्टरों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है कि बच्ची कोरोना संक्रमित नहीं मिल रही है, यानी कि जांच में वो पॉजिटिव नहीं पाई जा रही है, लेकिन उसमें जो भी लक्षण है वो कोरोना के संबंधित लक्षण है। फिलहाल उसके सांस लेने में समस्या हो रही है, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, मासूम 14 साल की बच्ची है। वैसे में जो जानकार हैं वो उम्मीद जता रहे हैं कि कहीं इसी बहाने कोरोना का जो तीसरा लहर है वो अपने राज्य में दस्तक नहीं दे, उसको लेकर चाहे वो रिम्स प्रबंधन हो, स्वास्थ्य विभाग के लोग हो या फिर जिला प्रशासन हो, अपने तरफ से लगातार तैयारियां कर रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रहे हैं। बस जरूरत है कि आम लोग भी इस महामारी के प्रति सचेत रहे और ये जो भी गाइडलाइन दिए जा रहे हैं कि जो बच्ची है लक्षण तमाम कोरोना वाले हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है लेकिन RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है, ये और खतरनाक हो सकता है क्योंकि एक तरफ सिम्टम्स सारे कोरोना वाले लेकिन जांच रिपोर्ट में बच्ची कोरोना निगेटिव है, तो फिर ये क्या है, इस पर भी नजर हम बना के रखेंगे और इस पर भी हम आपसे बातें करेंगे। लेकिन एक बार चलते हैं, रुक करते हैं अपने सहयोगी हमारे साथ देवघर से मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, जामताड़ा में कल एक बेंगलुरु से शख्स लौटा था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, कल उसकी मौत हुई है, ये और भी भयावह तस्वीर जामताड़ा से मनीष निकली है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर ऑपरेशन थाल की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो निश्चित तौर पर चाहे देवघर हो, गोड्डा हो, साहेबगंज हो, पाकुड़ हो, इन इलाकों में आपको, इन जिलों में हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं है, ये एक राहत वाली खबर है। लेकिन जामताड़ा से जो मामला सामने आया है वो निश्चित तौर पर बहुत कुछ कह रहा है और सजग होने की बात कह रहा है, और आज भी वहाँ पे दो मरीज अभी भी पॉजिटिव केसेस है, ये बहुत जरूरी है कि एक बार हम लोग सब सजग हो जाए। देखिए क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान ये बातें साफ हो गई थी कि बहुत कम ही लोग ऐसे दिखते थे पूजा पंडालों में जिनके चेहरे पर मास्क होता था, और मैं जब अपने परिवार के साथ घूम रहा था तो मैं पूरे परिवार के साथ में मास्क पहना था, लोग मुझे देख रहे थे कि ये मास्क में है, तो ऐसे कम ही लोग थे जिनके चेहरे पर मास्क होता था, तो ये चिंता की विषय है। दूसरी बात है कि लोग बिंदास हो गए हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी आदमी होगा जो अपने किसी ना किसी को खोया होगा दूसरे फेज में, ऐसे कोई भी शख्स नहीं है यहाँ पर, तो उसके बावजूद भी हम सजग नहीं हो रहे हैं, हम सरकार की तरफ निगाह लगाए हुए हैं और हम मानते हैं कि सरकार वो भी कुछ मॉरल सेट पर है। देखिए दो दिन पहले मैं साहेबगंज में था, वहां जब मैं कार्यक्रम से निकल रहा था सूची पंचायत से, तो मेरी गाड़ी मीडिया की गाड़ी देख करके लोगों ने कहा कि अब आप लोग को नहीं दिखता है कि कोरोना है, लोग ऐसे घूम रहे हैं और लोग कार्यक्रम हो रहा है, तो ये लोगों की मानसिकता हो गई है कि अपनी अपने को सेफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, लोगों की मानसिकता हो गई है। मनीष, हम आपसे ब्रेक, चूंकि एक वक्त हो गया ब्रेक का, वापस से आएंगे और आपके पास ही जाएंगे और तमाम जानकारी लेंगे। शर्मा जी आप भी बने रहिए हमारे साथ और सत्यव्रत आप भी बने रहिए क्योंकि वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तमाम चर्चाएं आप सभी से जारी रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आगे एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका, और अब बात करते हैं, राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। 3 महीनों से कोरोना का कोई भी संक्रमित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती नहीं था, वर्तमान में रांची के डोरंडा और नामकुम के रहने वाले 2 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती है, वहीं धनबाद की रहने वाली 14 वर्षीय कोरोना संक्रमित बच्ची की भी भर्ती को भी भर्ती किया गया है। फिलहाल बच्ची का कोरोना का RT-PCR जांच रिपोर्ट निगेटिव पाया गया है, मगर उसमें सभी लक्षण कोरोना के ही है और ऑक्सीजन सपोर्ट पर उस बच्ची को रखा गया है। पोस्ट कोविड के 27 और ब्लैक फंगस के एक मरीज का इलाज रिम्स में चल रहा है। उसकी 14 साल की बच्ची है
और इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के काफ़ी सीवियर सिम्टम्स थे। कल रात में आई थी इमरजेंसी में और वहाँ से फिर इसको लोगों ने देखा, कोविड सस्पेक्ट करके हमारे यहाँ भेज दिया गया है। अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं और जांच के रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम आपको और अपडेट कर पाएंगे। उधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मांग की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कोरोना का बूस्टर डोज और चाइल्ड वैक्सीनेशन जल्द शुरू करने की मांग की है। दिल्ली में आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में यह मांग की है। उन्होंने पीएम हेल्थ ई गैप फिलामेंट प्रोग्राम पर चर्चा की है। कोविड के रोकथाम के लिए बेहतर कोविड मैनेजमेंट की आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ईसीआरपी फंड को जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करने की भी अनुमति मांगी है। साथ ही कोरोना रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी है। आयुष्मान भारत के इलाज के लिए दिए जाने वाले 5 लाख रुपए से बढ़ाने का ऐसे सुझाव दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंत्री बन्ना गुप्ता के सुझावों पर विचार करने की बात कही है। 2 दिवसीय दौरे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। मंत्री के आप सचिव आसिफ इकराम भी इस बैठक में मौजूद थे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ आज रिव्यू मीटिंग थी। हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं। और क्या लगता है कि ये सब कुछ सार्थक चल रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, बहुत फ्रेश डिस्कशन हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को हमने राज्य के हित में जो हमारी कमी खामी है उसकी तरफ भी ध्यान दिलाया है। कुछ जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो छोटी छोटी कमी खामी को मुद्दा बनाकर हमारे मेडिकल के बच्चों को के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मान्यता को रद्द करेंगे या उसका एग्जाम नहीं होने देंगे तो फिर आगे भविष्य में कहाँ डॉक्टर लाएंगे? सरकार है, हमारी सैया बहने हैं, उसका मानदेय बड़ा कम है, 2000 है। मंत्री जी ने आयुष्मान भारत की घोषणा वहीं से की, महत्वाकांक्षी योजना थी, तो हमने कहा ट्राइबल स्टेट है, आप जब तक हमको केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी और हमको सुविधा देगी, हम कैसे अपने राज्य का जो सो लेकर बहुत सारे मुद्दे पर बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ। और मुझे लगता है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी झारखंड की भावना को समझेंगे और समझकर निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि वो जो हमारे बच्चों का जो भविष्य है एग्जाम को लेकर भविष्य भी ठीक होगा और जो हमारे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है उसकी दिशा में भी जरूर केंद्र सरकार सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उस विपरीत परिस्थिति को झेला है, जिया है और अपनी जनता की प्राण की रक्षा करने का काम किया है। तो केंद्र सरकार से मैंने प्रार्थना किया है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि आप हमको कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य मत खराब होने दीजिए, हमारी जो है सैया बहनों को का साथ दीजिए, उनका मानदेय बढ़ा दीजिए और हमको कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र से हमको उम्मीद है कि केंद्र हमको बड़ी सहायता करे ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और ये गांव गरीब ग्रामीण जो है हमारा झारखंड ये सुदृढ़ हो। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, दिल्ली से कैमरामैन शशिक के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को आप सुन रहे थे जो तमाम जानकारी साझा कर रहे थे, जिन्होंने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से तमाम जानकारियां साझा की और तमाम मांगे अपनी रखी। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का हम रुख करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं शहनवाज अख्तर न्यूज रूम से, हमारे साथ सत्यव्रत किरण है रांची से और हमारे साथ मनीष देवघर से जुड़े हैं। मनीष, चूंकि आपने उस समय अपनी पूरी बात कंप्लीट नहीं की थी, एक बार आपका रुख करेंगे और आपसे वही सवाल रहेगा कि जब जामताड़ा से एक युवक की मौत हुई कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद, उस युवक को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो देवघर जिला प्रशासन अब इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप हो गया है, अगर हम बात करें तो हॉस्पिटलों में तो ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हुए हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जामताड़ा इलाका है। देखिए, मेरी पाकुड़ से ही बात हुई, लाइव पर आने से पहले मैं अपने जितने सहयोगी हमारे हैं जिला के उन सबसे बात मैंने की, जामताड़ा में जिस स्तर पर जांच होनी चाहिए वहां उस स्तर पर जांच नहीं हो रहा है, जैसा कि वहां के जो स्थानीय रिपोर्टर उन्होंने ये बात को कहा। तो जरूरत इस बात की है कि जिन इलाकों में केसेज आ रहे हैं वहां जांच ज्यादा हो। एक और बात है, आपने नोटिस किया होगा कि पहले भी पिछले बार भी लोग अपनी जांच कराने से भाग रहे थे और अपने मतलब उसे कह सकते परहेज करते थे, इस बार भी यही हो रहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जांच नहीं करा रहे हैं। और एक और चीज जिसे हम चाहेंगे करने के लिए, ये चिकित्सा जगत के लिए एक हो
सकता है कि रिसर्च की बात हो, इस बार जो वायरल बुखार हुआ है उसमें दो तीन चीजें बहुत डिफरेंट रही है। वो एक है कि लंबे दिनों तक लोग बुखार से पीड़ित रहे, दूसरा ये कि हाई फीवर हुआ, 105 डिग्री तक बुखार गया, तीसरी ये बात है कि आज भी लोग एक या दो महीने बाद खुद को ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ खांसी की समस्या रह जा रही है। एक डॉक्टर भी यहाँ बीमार थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि ये क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं। कोविड के जो इंचार्ज थे देवघर सदर अस्पताल में, उनके पिताजी संक्रमित हुए थे दूसरे फेज में, उस समय उन्हें कुछ नहीं हुआ, 10 दिन पहले की बात है, उन्हें हाई फीवर आया, कन्वर्जन हुआ, उनको दुर्गापुर ले जाया गया, उसके बाद फिर रांची ले जाया गया और उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर चिकित्सा जगत को इस पर जरूर एक बार, ये भी अपने आप में रिसर्च की विषय है कि अभी जो भी वायरल फीवर होता है ये क्या है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन हम लोग भी भाग रहे हैं, कोई जांच नहीं करा रहा है, कई लोग आज भी मिलते हैं जो कहते हैं जांच नहीं कराना है। कहने का मतलब ये है कि सरकारी स्तर पर जो जांच चल रही है ठीक है, जो पहुंच जा रहे हैं जो करा ले रहे हैं वो अलग बात, लेकिन अभी कई लोग ऐसे हैं जो जांच नहीं करा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जांच सघन हो, हर जगह रोक रोक के हो, उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सख्ती करनी होगी, तभी तस्वीरें और साफ होगी। ये अलग बात है कि संथाल परगना में जामताड़ा को छोड़ करके बाकी अन्य जिलों में जो स्थितियां हैं वो राहत वाली है, ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की कितने लोग आ रहे हैं आगे आकर के जांच करा रहे हैं कि मैं जांच करा लूं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात कही है। रुख करते अपने सहयोगी शहनवाज का, शहनवाज राजधानी रांची की बात करेंगे। रेलवे स्टेशनों पर रोज 25,000 के आसपास यात्री पहुंचते हैं और आपने चूंकि उस वक्त एक बहुत ही अहम बात उठाई थी, एंटीजन टेस्ट की बात की थी और बाद में आरटीपीसीआर जांच उन यात्रियों की गई थी जो 55 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो निगेटिव आया, तो एक सवाल यहाँ पर उठता है कि एक पुख्ता जाँच होनी चाहिए, पुख्ता जाँच रिपोर्ट एक तो पहला सवाल है ही है, और दूसरा है कि इतने बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से मरीज झारखंड आ रहे। देखिए अगर हम बात करें कर्नाटका की तो वहां पर डेल्टा का एक अलग वेरिएंट निकला है जो बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है, तो दूसरे राज्यों से जो अपने राज्य में लोग आ रहे हैं, 25,000 की संख्या इनकी होती है कोरोना रेलवे स्टेशनों में, तो ये कैसे कंट्रोल में जिला प्रशासन करेगा, कितना हद तक कंट्रोल किया जा रहा है, जांच की हम बात करें या जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके साथ क्या फिर किया जा रहा है आगे, तमाम जानकारी आपसे हम चाहेंगे क्योंकि इससे संबंधित उपायुक्त ने एक निर्देश भी दिया है, तो तमाम जानकारी आप हमें दे शहनवाज। देखिए सख्त निर्देश तो दिया है उपायुक्त ने कि इंसिडेंट कमांडर जो होंगे वो उन पर उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको निलंबित किया जाएगा और नौकरी से भी हटाया जा सकता है। तो जाहिर है एक सख्ती का निर्देश तो मिला है, वो भी 3 दिन पहले जब 55 यात्री कोरोना पॉजिटिव हुए और न्यूज़ 11 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया तो प्रशासन जागा। उससे पहले अक्सर मेरी जब सेकेंड शिफ्ट की ड्यूटी होती थी तो मैं रेलवे स्टेशन जाके, एयरपोर्ट जा कर के, हटिया रेलवे स्टेशन जाके एक बार ज़रूर दौरा करता था और मैंने पाया है कि वहाँ पर जो आरपीएफ है, रेलवे पुलिस है, वो स्वास्थ्य कर्मियों को बिल्कुल सहयोग नहीं करती है। एक आध जो मेजर ट्रेन्स हैं वो आ रही हैं तो वहाँ पे खड़े हो गए, 2-4 बार डंडे हिला दिए, और चूंकि मीडिया को भी अब अंदर नहीं जाने देते हैं रेलवे स्टेशन के, ये अपने हित में कि उनकी पोल ना खुले कि हम कुछ करते नहीं है, एक नया उन्होंने धंधा निकाला है कि मीडिया की एंट्री बंद कर दो। जाहिर है मीडिया की एंट्री बंद होगी तब जाहिर है उनकी कमी सामने नहीं आएगी। अभी आज से ठीक 10 दिन पहले एक हमारे चैनल के जो व्यूअर है, बहुत ही सीरियस व्यूअर है, उन्होंने फोन किया मुझे और उन्होंने कहा कि मैं किसी पेशेंट को लेने के लिए, पैसेंजर को लेने के लिए रांची रेलवे स्टेशन गया हुआ था कि अचानक देखा कि भीड़ लगी हुई है और एक यात्री बेहोश पड़ा हुआ है। रांची जंक्शन की बात मैं बता रहा हूँ, बेहोश पड़ा हुआ है और कुछ लोग उसको हाथ हिला रहे हैं, कोई उसको पंखा झल रहा है, तो मेरे उस व्यक्ति ने, व्यूअर ने कहा कि मुझे माउथ रिस्पिरेशन और जो चेस्ट पंपिंग का आता है टेक्निक, मैंने वहां पर ट्राई किया तो देखा कि उसके अंदर कोई हैरत हरकत नहीं है। तो मैंने वहां पर सब लोगों से कहा, जो प्रशासन, रेलवे प्रशासन के लोग थे, कि इसको एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जाइए तो हो सकता है इस व्यक्ति की जान बच जाए। कई बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मरीज, लेकिन हार्ट अंदर से एक्टिव रहता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रांची रेलवे स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस जो लगी हुई थी उसमें तेल नहीं था। मैंने इसका जिक्र रांची सिविल सर्जन से किया
रांची सिविल सर्जन ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया कि देखिए ये रेलवे के अथॉरिटी से ये मैसेज आया था मुझे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं आपके पास एम्बुलेंस में तेल नहीं है, तो मैंने कहा कि आप भेज दीजिए और उस दिन मैंने तेल भरवा दिया था। तो ये एक बुनियादी चीज है कि एम्बुलेंस जो रांची रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है, हम ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जाके रैंडमली चेक कर लीजिए रांची रेलवे स्टेशन पे जो एम्बुलेंस आपको खड़ी मिलेगी शायद उसके अंदर डीजल नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लैप्सेस कितना है। अगर इतनी लापरवाही है तो क्या कर सकते हैं आप। चाइना जैसी कंट्री जहां से ये कोरोना विस्फोट हुआ था, आज अपने पूरे शहर को उसने पिछले तीन दिनों से ब्लॉक कर दिया है, जाम कर दिया है, बंद कर दिया है, हालांकि वहां इतने केस भी नहीं निकले हैं। तो आखिर हम कोरोना से लड़ेंगे कैसे? अपने लोगों की जान तो हमने दे दी, बहुत सारे लोग हमारे चले गए दुनिया से, और अब आप कह रहे हैं कि एक महाराष्ट्र में एक नया डेल्टा वेरिएंट आया है, वो वेरिएंट अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या हाल होगा? बिल्कुल वैसे हाल है जो अभी मौजूदा वेरिएंट झारखंड में। जी जी बिल्कुल वही सवाल है कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं रहेगी तो हम तीसरी लहर का सामना कैसे करेंगे, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही। बहुत ही अहम बातें आपने बताई है निश्चित तौर पर, और जिस एम्बुलेंस की चर्चा आपने की निश्चित तौर पर जो संबंधित विभाग के लोग हैं वो इस पर त्वरित एक्शन लेंगे और इस तरह की चीजों को चुस्त दुरुस्त करेंगे। शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सत्यव्रत आप हमारे साथ बने रहिए, मनीष आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। एक बार फिर से ब्रेक के बाद 11 स्पेशल में, कोरोना सैंपल की अलग जांच रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। जो सैंपल आरएटी में पॉजिटिव पाया गया वही सैंपल आरटीपीसीआर में निगेटिव हो गया। रांची के सिविल सर्जन भी जांच में सवाल उठाते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट। कोरोना सैंपल के अलग अलग जांच रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। पहले आरएटी जांच में पाया गया पॉजिटिव, वही सैंपल आरटीपीसीआर जांच में पाया गया नेगेटिव। सिविल सर्जन रांची ने भी जांच कार्य अंतर को उठाए हैं सवाल। रैपिड एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं सवाल। इससे पहले कोरोना के टेस्टिंग में शायद ऐसा हुआ होगा कि रैट में नेगेटिव पाया गया सैंपल आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाया गया। हटिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के करीब 5 सैंपल की जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच से किया गया और सभी जांच पॉजिटिव पाए गए। फिर जब 19 सैंपलों को आरटीपीसीआर मशीन में जांच किया गया तो नेगेटिव पाए गए। खुद सिविल सर्जन रांची ने भी इस पर सवाल उठाए। इसके लिए राहत की बात है कि जो रैट पॉजिटिव आ रहे हैं वो आरटीपीसीआर कंफर्मेशन में नेगेटिव आ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि रैट टेस्ट जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत हो, जिसके बारे में हम लोग विभाग को इसकी जानकारी दे रहे हैं। इस घटना के बाद से रैपिड एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। आईसीएमआर के गाइडेंस के मुताबिक अगर रैट जांच में नेगेटिव पाए जाने के बाद भी अगर व्यक्ति में कोरोना के संबंधित लक्षण है तो उसे आरटीपीसीआर जांच किया जाता है। खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इलाज के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो कोई भी टेस्ट का तब तक मतलब नहीं है जब तक क्लिनिकल कोरिलेशन, मतलब उसका लक्षण और टेस्ट दोनों का समावेश के बाद ही हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि वो आदमी संक्रमित है अथवा नहीं है और किस प्रकार का उपचार उसको मिलेगा। इसलिए इस बात को तुल देने का बहुत मतलब नहीं है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। बहरहाल राज्य में कोरोना जांच के सभी तकनीक उपलब्ध है। राज्य में इस वक्त कोरोना जांच के 4 तरह की व्यवस्था है, रैपिड एंटीजन, ट्रूनेट, आरटीपीसीआर के बाद बीते कुछ दिनों से कोवाश मशीन से भी जांच की जा रही है। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें कभी कभी रेड से आपने जांच किया तो बाद में पता चल रहा है कि ट्रूनेट में उन रेड ने नेगेटिव शो किया, बाद में ट्रूनेट उसको पॉजिटिव करता है। उससे भी हायर तकनीक हम लोगों ने लगा दिया है, कोबास 6800। कहते हैं कि तकनीकी चीज़ों का लाभ लेना है, लेकिन अब थोड़ा सा कहीं पर अंतर होता है तो उस अंतर को समझने की आवश्यकता है। आरएटी जांच में पॉजिटिव और आरटीपीसीआर में नेगेटिव पाए जाने के बाद आशंका भी जताई जा रही कि हो सकता है सैंपल कलेक्शन सही से नहीं हुआ होगा, कोल्ड चेन को मेंटेन करने में कोई समस्या रही होगी। जिस आरएटी किट के जांच हुई है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लॉट में त्रुटियां हो गई हो। बहरहाल राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी।
स्वास्थ्य विभाग सभी एंट्री पॉइंट पर कोरोना जांच केंद्रों के माध्यम से संक्रमितों की तलाश में लग गया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। सहयोगी अभिषेक भारती का रुख करेंगे हमारे साथ, जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक भारती जी, देखिए एक बार फिर से खतरा झारखंड में मंडराने लगा है, क्या ये तीसरी लहर की दस्तक है और इस खतरा से पहले हम कितने तैयार हैं, झारखंड कितना तैयार है, झारखंड का स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, झारखंड के लोग कितने तैयार है? अभिषेक भारती जी, जिशान जो आपने सवाल बोला है, इस सवाल का जवाब ढूंढते समय मुझे एक शब्द याद आ रहा है जैसा मैं फील कर रहा हूं और झारखंड की मीडिया यूं कहें कि पूरे देश की मीडिया फील करती है जी। उस शब्द को अभी 2 से 3 दिन पहले दिल्ली में लालू यादव ने कहा था, भग चुनहर। उन्होंने इसे बिहार के कांग्रेस प्रभारी के लिए कहा था, लेकिन असल में झारखंड की मीडिया ऐसा फील कर रही है और देश की मीडिया ऐसा फील कर रही है कि हम भग चुनहर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको मैं बताता हूं जी। कोरोना है, जब हम ऐसी बात कहते हैं तो असल में होता यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और झारखंड की जनता कहती है कि देखिए कैसा बेवकूफ इंसान है, ये चाहता नहीं है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, ये चाहता नहीं है कि दुनिया नॉर्मल हो, ये चाहता नहीं है कि स्कूल खुले, कॉलेज खुले, बच्चे पढ़े। अच्छा, जब हम कहते हैं कि ठीक है कोरोना से डरिए मत, तो कहते हैं कि ना ना ये सरकार का दलाल है, देखिए इसको कोई काम नहीं है, ये गलत तस्वीरें पेश कर रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें ऐसी हैं वैसी हैं, फलाना है, टीम का है। हम कहते हैं कि भाई इन फलाना शख्स ने मास्क नहीं पहना है, जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि बताइए मुख्यमंत्री वहां गए थे तो क्या उन्होंने मास्क पहना था, प्रधानमंत्री फलाना जगह गए थे तो क्या उन्होंने मास्क पहना था, स्वास्थ्य मंत्री फलाना का जगह गए थे तो क्या उन्होंने मास्क पहना था। हम कहते हैं ठीक है मास्क मत पहनिए, तो कहता है ये गलत बोल रहा है, ये बेईमान आदमी है, ये चोर आदमी है, इसको सजा देनी चाहिए, बताइए ये कह रहा है कि मास्क ना पहनिए। अब अंत में सवाल ये आता है कि हम कहें तो कहें, क्या बोले तो बोले, कहें तो कहें क्या जी। अब झारखंड की स्थिति की बात कहते हैं, देखिए देखिए चाइना का एक शहर है जो कि पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है जी, ठीक है जी। झारखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज ये है कि हम झारखंड वासियों को मरना भी नहीं है और हमें स्वर्ग की भी प्राप्ति चाहिए, दुर्गा पूजा का मेला भी हमें घूमना है जी। अपने धर्म को भी मुकम्मल रखना है, हमें दुर्गा पूजा में बलून भी देखने हैं, बच्चों को भी घुमाना है, मुहर्रम का जुलूस भी निकालना है जी, ठीक है, हमें गुड फ्राइडे भी मनाना है, हमें क्रिसमस भी मनाना है, तमाम चीजें मनानी और हमें कोरोना को भी हराना है, क्या ये संभव है? बिल्कुल। जमशेदपुर की बात मैं करूं तो जमशेदपुर में 32 दिन बाद पहली मौत हुई है, ठीक है जी। लेकिन मैं कहूंगा कि भैया कोरोना से मौत हुई है तो आधे लोग ये कहेंगे, पता नहीं कहां कहां से वो अपना लॉजिक लेकर के आते हैं कि कोरोना से ही मौत हुई, आप सिद्ध कीजिए जी। ठीक है, आप बताइए, नमाज कक्ष को लेकर के विधानसभा का पूरा घेराव हो जाता है, बिल्कुल पूरी सियासत गर्म हो जाती है, पर इतने दिनों में क्या विपक्ष ने चेक किया, सरकार को घेरा कि कितने ऑक्सीजन प्लांट तैयार हैं, बिल्कुल कितने हॉस्पिटल में मुकम्मल व्यवस्था है झारखंड में जी। मैं कहता हूं कि अगर गुमला जिले के सिसई प्रखंड का ऑक्सीजन प्लांट तैयार नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है, बिल्कुल कौन चेक करेगा जी। क्या किसी मीडिया ने जाकर के गुमला जिले के सिसई के उस ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया जी? नहीं लिया जी। मैं कहता हूं कि सरायकेला के कुचाई प्रखंड का ऑक्सीजन प्लांट जो सदर अस्पताल में बनाया गया था, जो छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया गया था, क्या वो पूरी तरीके से तैयार है? किसी ने जाकर के उसका जायजा लिया? नहीं लिया। सत्ता पक्ष विपक्ष देखिए सबके अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने एजेंडों को सब सींच रहे हैं, बढ़िया से पानी दे रहे हैं, सबका अपना अपना नैरेटिव सेट है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से भारत की हार हो जाने पर ठीक है मोहम्मद शमी को ट्रोल कर दिया जाता है, पर उसी टीम में 10 और 11 प्लेयर रहते हैं, उन 10 प्लेयर को क्लीन चिट दे दी जाती है और मोहम्मद शमी को दोषी ठहरा दिया जाता है। ऐसा है हमारा देश और ऐसा है हमारा राज्य, तो इसके आगे मैं क्या कहूं। सीधे सा सवाल मेरा इतना है कि भैया स्वास्थ्य विभाग बताएगा ना कि उसने तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारी की है? बिल्कुल। विपक्ष पूछेगा ना, जिस तरीके से कागज फाड़ फाड़ के उड़ाता है नमाज कक्ष के लिए, मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए और फलाना के लिए और ढिमका के लिए, मैं कहता हूं कि इसको लेकर के भी तो सवाल होना चाहिए कि भैया सरकार है आप, मुख्यमंत्री हैं आप, स्वास्थ्य मंत्री हैं आप लोग बताइए कि तीसरी लहर को क्या तैयारी है। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसने कोरोना के लहर के दौरान अपने किसी अपने को नहीं खोया, लेकिन हम हिंदियों की बदनसीबी यही है,
हम इंसानों की बदनसीबी यही है कि हम भूल जाते हैं जी। मैं आपको बता रहा हूँ, जमशेदपुर के किसी भी बाजार में चले जाइए, सरायकेला के किसी भी बाजार में चले जाइए, आपको मास्क लगाए हुए बमुश्किल 4 से 5 लोग लगेंगे। वो भी 4 से 5 लोग क्यों है कि जिनके मुंह के नीचे यहाँ पर मास्क लगा हुआ होगा, वो एक फैशन सेंस होगा, जिस कलर की शर्ट है उस कलर की मास्क होगी, ठीक है। लोग अभी भी मुझे कहेंगे कि भैया देखिए ये इतना इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहा है लेकिन इसके खुद के नाक पर मास्क नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी अकेले खड़ा हूं यहाँ पर, लेकिन बहरहाल देखिए कड़वी सच्चाई यही है कि सबका अपना अपना एजेंडा सेट है। कोरोना को लेकर के सरकार, विपक्ष, आम आदमी, सत्ता, प्रशासन, कोई सीरियस नहीं है। सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में जुटे हैं। फिर से तीसरी लहर आएगी, लोग मरेंगे, छाती पीटेंगे, उस समय याद आएगा। फिर उसके बाद जब तीसरी लहर, एक वक्त आएगा जब इंसानियत जीत जाएगी, तीसरी लहर हार जाएगी, उसके बाद फिर लोग भूल जाएंगे। फिर सबको दुर्गा पूजा भी मनाना है, मुहर्रम का जुलूस भी मनाना है, ईद में गले भी लगना है, गुड फ्राइडे में मोमबत्ती भी जलाना है, न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रहेगी, न किसी को याद रहेगा कि भैया हमें मास्क पहनना है। और हाँ, लास्ट में गाली देने के लिए अभिषेक भारती और ये मीडिया है ही, वो तो बोलेंगे कि दलाल मीडिया है, कभी मोदी की चमचागिरी करता है, कभी हेमंत सोरेन की चमचागिरी करता है, कभी हेन करता है, कभी तेन करता है, और यही सच है। जीशान, बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही है अभिषेक भारती जी। और इस खतरे से निपटने के लिए सभी लोग जिम्मेवार हैं, जिनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने तरीके से निभाना है, चाहे वो विपक्ष रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष रहे, चाहे आम जन रहे, चाहे मीडिया रहे, चाहे डॉक्टर्स रहे, चाहे स्वास्थ्य मंत्री रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे। बहुत ही बड़ी बात आपने कही है। अब हमारे साथ बने रहिए, हम रुक करेंगे सीधा अपने सहयोगी सतव्रत किरण का। सतव्रत किरण, इन 3-4-5 महीनों में कितना एडवांस हुआ है रिम्स? क्या हम इस लायक बने हैं कि आने वाले खतरे को झेल पाएंगे? रिम्स इसके लिए तैयार है? तो देखिए जिसान, कोरोना के दूसरे लहर में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कुछ कमियां रही थी, यानी कि जो तैयारियां कोरोना के दूसरे लहर में होनी चाहिए जो नहीं हो सकी, फिलहाल कोरोना के तीसरे लहर में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन ने इससे सबक लिया है। और पूरे राज्य भर की अगर बात करें तो फिलहाल कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए तैयारियां चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात को समझिए जिसान, कि कोरोना का जो संक्रमण है 2 साल से ज्यादा, यानी 2 साल के उम्र से ज्यादा का उम्र हो चुका है इस कोरोना के संक्रमण का, लेकिन अब तक WHO, ICMR या कोई भी संगठन के द्वारा इस बीमारी के बारे में अब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल सका है। आज ही रिम्स के जो क्रिटिकल केयर इंचार्ज है डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, वो पिछले 10 महीनों से एक शोध कर रहे थे, अमेरिकन मेडिकल जर्नल के लिए एक शोध चल रहा था, देश भर में शोध चल रहा था कि जो कोरोना के संक्रमित मरीजों को दवाइयां दी जाती हैं, जो उन्हें एस्ट्रॉइड दिया जाता है, उस एस्ट्रॉइड का 1200 mg डोज ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसके स्वास्थ्य के लिए, या फिर 6 mg का जो डोज है। फिलहाल यह पाया गया कि जो 6 mg का डोज है एस्ट्रॉइड का, वो ज्यादा जल्दी जो है वो संक्रमण को ठीक कर रहा है। तो देखिए लगातार शोध चल रहा है, अब तक नतीजे नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो भले ही कोरोना संक्रमित करता हो, लेकिन उसके बाद भी कोरोना जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा, यानी कि पोस्ट कोविड के मरीज, और वर्तमान की अगर बात करें जिसान, तो करीब 27 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना को भले ही मात दे दिया, लेकिन अभी भी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, पोस्ट कोविड के मरीज हैं। 2 दिनों पहले हमने दिखाया था कि कैसे कोरोना जो है वो बोन डेंसिटी को कम कर रहा है, बोन डेड की समस्या बढ़ रही है, ब्लैक फंगस की समस्या कोरोना पोस्ट कोविड मरीजों में बढ़ी है, कई और बीमारियों की जो समस्या है ये बढ़ी है। यानी कि अगर एक बार कोरोना संक्रमण आपके शरीर में प्रवेश करता है, भले ही कुछ दिनों बाद वो संक्रमण डिटेक्ट नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाते जाते वो संक्रमण आपके शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा देता है। संक्रमण यानी पोस्ट कोविड की अगर हम बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके शरीर को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, और शरीर के अन्य ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है, और इसकी बानगी भी देखी जा रही, जैसे कि हमारे सहयोगी सत्यव्रत बता रहे। जो मरीज इस वक्त रिम्स में मौजूद है, एडमिट है, कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन और दूसरी डिफरेंट बीमारियों से फिलहाल वो जूझ रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। आप हमारे साथ बने रहिए सत्यव्रत, और अभिषेक भारती जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ मनीषा भी बने रहिए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और आप तमाम लोगों से ये चर्चाएं को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका। तो एक बार फिर से झारखंड में कोरोना का खतरा बढ़ता दिख रहा है, रोज मरीज मिल रहे हैं और एक बार फिर से जरूरत है उसी एकजुटता के साथ जिसकी हमने मिसाल पहले दी है। एक बार फिर से वो वक्त आ गया कि हम सतर्क हो जाए, संभल जाए, क्योंकि वक्त अभी हमारे पास है और खतरे की घंटी, खतरे का अलार्म जो नाम दे आप इसे, इससे पहले कि खतरा झारखंड को अपने आगोश में ले ले, हम एक बार फिर से उसी मुस्तैदी के साथ इसे लेकर एक्टिव हो जाए और लापरवाही बिल्कुल भी छोड़ दे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती जमशेदपुर से बने हुए, रांची से सत्यव्रत किरण बने हुए और हमारे साथ देवघर से मनीष बने हुए। मनीष का रुख करेंगे। मनीष, अब देखिए ये जो देवघर वासी है, जो वहां के लोग हैं, जिले के तमाम लोग हैं, वो टीवी देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस बढ़ने के बाद वहां के लोगों की अब क्या राय सामने आ रही है, क्या लोग अब वहां पर सतर्कता बरतते दिखाई दे रहे हैं आपको, और नहीं बरत रहे तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं? देखिए लोग चिंतित हो गए हैं, क्योंकि अब सब कोई राज्य भर की खबरें, विश्व स्तरीय खबरें जो आती हैं, जो देश विदेश की खबरें आती हैं, खास करके कोरोना से जुड़ी खबरें, उन सबको लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो लोगों की चिंता बढ़ी, खास करके अभिभावकों के बीच में काफ़ी चिंता बढ़ी, क्योंकि कुछ स्कूलें खुल गए हैं जहाँ पे बच्चे अल्टरनेट डे पहुँचते हैं, हालांकि अभी तक कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को नहीं भेजा है, तो चिंता उनकी सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है बच्चों को लेकर के, क्योंकि बच्चों के मामले में अभी तक हमारे पास कोई भी ठोस कारगर अभी तक उपाय नहीं आ सका, सरकार केंद्र की हो चाहे कोई भी हो, अभी तक उसको लेकर के, तो ये सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई है तो अभिभावक वर्ग चिंतित है। हालांकि लोग अभी भी मास्क को लेकर के उतने ज्यादा गंभीर नहीं है, ये हमारी मानसिकता है। आप देखे होंगे जिसान, बड़े कम शब्दों में आपको बताएंगे कि जब भी गाड़ी का, वाहन का चेकिंग होता है हेलमेट का, तो आपको सैकड़ों ऐसे वाहन चालक मिल जाएंगे जिनके पास हेलमेट नहीं होगा, जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हम नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यही चीज है कि हमारी मानसिकता हो गई कि हम नहीं पहनेंगे तो क्या है, कुछ लोग बिंदास हो गए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक भाई ने जो बात कही जमशेदपुर से कि यहाँ के जो नेता हैं, सरकार चाहे सत्ता हो या विपक्ष के हो, वो लोग भी कुछ इसी तरह के हैं। मैं आपको बता दूं कि 100 का सैकड़ा जब पार हुआ था तो भाजपा के लोग खड़े होकर के मानव श्रृंखला बनाया था, लेकिन उनमें सैकड़ों में कई ऐसे लोग थे जिनके पास मास्क नहीं था, जो मास्क नहीं पहने हुए थे, ये बड़ी अपने आप में बड़ी विडंबना है। जामतरा जहां से 2 केसेज आ गए हैं, जहां से एक मरीज की मौत हो गई है, ये देखना होगा कि वहां के जो स्थानीय विधायक हैं वो उस पर कितनी नजर बनाए हुए हैं, वो जांच देख रहे हैं कि नहीं, क्या व्यवस्थाएं हुई है कि नहीं, बजाय इसके कि वो गोड्डा सांसद के बयानों पर अपना ट्विटर ट्वीट करते हैं, उनके बयानों पर ज्यादा अपना बयान देते हैं, ये विडंबनापूर्ण स्थिति है। तो जरूरत इस बात की है कि आम लोग तैयार हो, जिला प्रशासन तैयार है, क्योंकि सेकंड फेज में ये महसूस किया गया था कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन। सही बात है, थोड़ा सा रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अभिषेक भारती का। मनीष, थोड़ा सा रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अभिषेक भारती का। अभिषेक भारती जी, अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो सेकेंड डोज लेने वाले लोगों की संख्या कम है, यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर जहां देश एक तरफ 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, झारखंड में कुछ बहुत बेहतर स्थिति हम इस मामले में नहीं कह सकते? देखिए, बेहतर स्थिति है कि नहीं है, ये तो आंकड़े ही बोल रहे हैं, हम तो क्या कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो जागरूकता। इस जागरूकता के मामले में देखिए, सरकार अपना रोल निभा सकती है, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो वैक्सीन आपको ही लेना है। ये तो संभव नहीं है कि सरकार कॉलर पकड़ करके और आपको लेकर के जाएगी कि भैया आपको वैक्सीन लेना ही लेना है। Exactly. मैं आपको क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए, एक कमेंट हमारे सोशल मीडिया पेज पर आया, कोई पवन कुमार भाई साहब है जी। इन पवन कुमार भाई साहब ने कहा है कि ये जो मित्र बोल रहे हैं जी, हम लोगों के बारे में, कि इनके चेहरे पे मास्क क्यों नहीं जी। अब पवन कुमार भाई साहब देखिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 2 टर्म्स है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये दोनों टर्म्स जो होते हैं ये इसलिए हैं कि हम अपना भी बचाव कर सकें और हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी बचाव कर सकें। बिल्कुल, अगर आप मेरे कैमरे में देखिएगा तो दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल, एंकर स्टूडियो में अकेला रहता है। बिल्कुल, तो ये चीजें आप समझिए कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मास्क इसलिए नहीं लगाना कि हम किसी को, कोई हमें देख रहा है या हमें डर है कि प्रशासन आके हमारा फाइन काट देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, या फिर कोई आकर के हमारी फोटो उतार लेगा। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी, इसको समझना है जी, आप समझिए इसे। बिल्कुल, ये हमारी जवाबदेही, अपनी जवाब, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम दूसरे के कहने पर मास्क लगाए ना लगाए, ये हमें मास्क एंड सोशल, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग जो चीजें हैं, मतलब हम अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ
सोसाइटी, हमारी जो परिवार है, हम इनके लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली पवन कुमार भाई साहब, आपने भी किसी अपने को खोया होगा, निस्संदेह खोया होगा। और आप रोज जिससे मिलते होंगे, हमारी बातों को सुन भी रहे होंगे विशाल भारती जी, और निश्चित तौर पर वो समझ रहे होंगे कि ये हमारी अपनी खुद की जिम्मेवारी है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना। आखिरी सवाल हम सत्यव्रत किरण से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। सत्यव्रत किरण जी, जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की तो कोरोना बूस्टर दवा की मांग की बात उन्होंने रखी है, और बच्चों की यानी कि चाइल्ड की वैक्सीन को जल्द लाने की उन्होंने मांग की, और झारखंड को खास ध्यान देने की उन्होंने मांग की है। सत्यव्रत जी, जिसान सरकारें लाख कोशिश कर ले, अगर लोग सावधान नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तो शायद इस महामारी पे आप काबू नहीं पा सकेंगे। पवन कुमार जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, कोरोना के दूसरे लहर में ऐसे ही लोगों की लापरवाही थी, क्योंकि कोरोना के पहले लहर में ज्यादा मौतें नहीं हुई थी और वैसे में लोग लापरवाह हो गए थे, उन्हें लगा कि कोरोना वोरोना नहीं होता है, और कोरोना के दूसरे लहर ने दिखा दिया कि कोरोना क्या होता है और कैसे लोगों की मौत होती है। इसलिए जरूरत है कि हम सावधान हो जाए। एक बात और बता देता हूं आपको जिसान, कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, कोरोना के जो दो मरीज है, रांची के रहने वाले हैं, डोरंडा और नामकुम के, जो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में है, उनके परिवार के सदस्यों में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है, यानी कि कोरोना जो है वो फैलना शुरू हो चुका है। Exactly. अब यह दुगनी तेजी से फैल रहा है या कि कोरोना के दूसरे लहर के हिसाब से फैल रहा है, फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन ये बड़ी बात है कि एक व्यक्ति से कोरोना जो है परिवार के दूसरे सदस्यों में फैल रहा है। बिल्कुल, ये डराने वाली बात है, ये खतरे की घंटी है, और इसीलिए हम ये खास इस 11 स्पेशल के खास सेगमेंट में अपने दर्शकों को साफ तौर पर बताते नजर आए, हमारे सहयोगी बताते नजर आए कि आपकी अपनी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी से हमें आपको भागना नहीं, क्योंकि एक बार फिर से झारखंड में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, और इस बात को बिल्कुल भी ना भूले कि अगर हम सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो हम लोगों को हिफाजत तो करेंगे, हमारी जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी कहीं ना कहीं हम बचाएंगे, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं और जवाबदेही हम पर ज्यादा बनती है। आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जो जुड़े, जमशेदपुर से अभिषेक भारती जी, रांची से सत्यव्रत किरण जी, और देवघर से मनीष जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ एक बार फिर से कहना चाहेंगे, आप सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, और हां सुरक्षित जरूर रहे, क्योंकि एक बार फिर से झारखंड में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।